खबर का हम रुख कर लेंगे और पायलट समर्थक राकेश पारिक का गहलोत गुट पर वार। पायलट के साथ खड़े विधायक गद्दार नहीं, ये कहा है राकेश पारिक ने। धारीवाल को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस के विधायक राकेश पारिक जी हमारे साथ। राकेश जी, एक सवाल, क्या आप लोग गद्दार है क्या, ये बताइए आप, क्योंकि आपने आरोप कल शांति धारीवाल ने लगाया कि मानेसर जो गए थे सब गद्दार। एक मिनट यार, देखिए ऐसा है, मैंने भी बयान सुना नहीं है और मेरा खुद का राजनीतिक जीवन 45 साल हो गए। कांग्रेस के सिपाही पायलट साहब हमारे एमपी थे, जब से उनके 7 बजे ऐसी कोई बात नहीं है। गद्दारी करते तो पायलट साहब को छोड़ देते, वाकई गद्दार नजर आते हैं। लेकिन क्या ये भी बात सही है कि अजय माकन राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को भड़का रहे थे, क्योंकि एक आरोप है कि पायलट साहब के पक्ष में माहौल बना रहे थे राजस्थान। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, माकन साहब सीनियर आदमी है उनके बारे में। लेकिन अब क्या उम्मीद है आपको, भगवान सब ठीक करेगा। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, अब क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि आज जो पर्यवेक्षक हैं वो रिपोर्ट सौंपने वाले आला कमान को, अब उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या गहलोत को बड़ा झटका लग सकता है, गाज गिर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं गहलोत गुट के समर्थकों पर, क्या कुछ और होगा? देखिए, इतना आसान नहीं है कि अशोक गहलोत कैंप के जितने भी लोग हैं, चाहे शांति प्रसाद धारीवाल हों या महेश जोशी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत हैं। अशोक गहलोत के काफ़ी बड़े सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, इसीलिए आलाकमान को ये फैसला लेने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि वो अनुशासनहीनता के बारे में इनको नोटिस भेजे और उसके बाद फिर अशोक गहलोत को या तो नोटिस भेजने के बाद इनकी मंत्रिपरिषद से निकालना पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सचिन पायलट कैंप के विधायक हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं, और अशोक गहलोत कैंप के विधायक और मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने यहाँ तक कह दिया कि जो 19 विधायक सचिन पायलट के समर्थक हैं, अगर उन पर उसी वक्त कार्रवाई हो गई होती जब वो बागी हुए थे, तो ऐसी नौबत नहीं आती। यानी कि दोनों गुट के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और आलाकमान का अभी तक इंटरवेंशन नहीं हुआ है, और इंटरवीन करने के बाद ही ऐसा लगता है कि दोनों गुट आपस में हाथ मिलाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत का नाम आ रहा था, अचानक वो अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए बाहर होता दिख रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे तो चलिए, अब आलाकमान का क्या कुछ रिएक्शन होता है ये देखना होगा। आप लोग लगातार नजर बनाए रखें इस खबर पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।